Assalamualaikum students, hope you all are doing good at your homes. I'm here with you with our Islamiyat class. So before starting our lesson, quickly recite dua to increase in our knowledge. Raise your hand. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. So class, as you can see, this is your Islamiyat reading book. Take it out, then we will start our reading, okay? So class, आज जो हम chapter read करने जा रहे हैं वो है हमारा सबक number 12 और सबक का नाम है अस्सलामु अलैकुम ऑन बुक पेज नंबर 25। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। जब भी कोई मुसलमान अपने किसी दूसरे मुसलमान भाई को मिलता है तो अस्सलामु अलैकुम कहता है, जिसका मतलब है तुम पर सलामती हो। दूसरा मुसलमान भाई जवाब में वालेकुम अस्सलाम कहता है, इसका मतलब ये है कि तुम पर भी सलामती हो। सलाम करने पर 10 नेकियां मिलती हैं, इसलिए सलाम करने में पहल करनी चाहिए। ओके, क्या बता रहे हैं आपको? जब भी आपस में मुसलमान मिलते हैं, भाई भाई, आपस में मुसलमान भाई भाई हैं ना, तो जब भी आप किसी से मिलते हैं, किसी भी मुसलमान भाई से मिलते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम सलाम करते हैं। और सलाम करते हैं तो क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैकुम। मतलब जब हम किसी को सलाम कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, जिसका मतलब है तुम पर सलामती हो। और जब वो शख्स हमें सलाम का जवाब देता है तो क्या कहता है? वालेकुम अस्सलाम, मतलब तुम पर भी सलामती हो। और सलाम करने में हमेशा पहल क्यों करनी चाहिए? सबसे पहले घर में दाखिल हों, किसी दोस्त से मिलने जाएं, किसी बड़े को देखें या किसी छोटे को देखें, या बहुत अरसे बात मिलें, या वैसे भी आप घर में अगर किसी से गुफ्तगू करना स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं बात करना, तो क्यों ना सलाम करके स्टार्ट कर दी जाए कि अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल है आपके, और फिर अपनी बात को मुकम्मल किया जाए। इससे क्या होता है कि अल्लाह ताला हमें 10 नेकियां देते हैं। ठीक है, जब हमें अल्लाह ताला 10 नेकियां देते हैं तो वो हमारे नामा अमाल में शामिल हो जाती हैं, मतलब हमारी गुड डीड्स में शामिल हो जाती हैं। तो इसलिए कहा जाता है, चाहे वो आपसे बड़ा हो या आपसे छोटा हो, तो हमेशा सलाम में पहल करनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि वो तो छोटा है, उसने मुझे सलाम करना चाहिए था, मैं क्यों उसको सलाम करूँ। कभी भी ऐसे सोचना नहीं चाहिए, चाहे वो आपके उस्ताद हों, आपके भाई बहन हों, आपके वालिदैन हों, या और रिश्तेदार हों, हमेशा सलाम में पहल करनी चाहिए। ओके स्टूडेंट, आगे पढ़ते हैं। इसलिए जब भी घर जाएं तो अम्मी अब्बू और बहन भाइयों को अस्सलामु अलैकुम कहें। स्कूल आए तो जिस दोस्त से मुलाकात हो उसको अस्सलामु अलैकुम कहें। अपने असातिज़ा को अदब से सलाम करें। सलाम करने के लिए दूसरे मुसलमान को जानना ज़रूरी नहीं, बल्कि हर बड़े छोटे शख्स को सलाम करना अच्छी आदत है। सलाम करके एक दूसरे से हाथ मिलाने को मुसाफा कहते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये दोनों हाथ मिला रहे हैं, हैंडशेक कर रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं? मुसाफा करना कहते हैं। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर आप जब भी अपने घर में दाखिल हों, या आप कहीं बाहर जाएं, या आप किसी किसी दोस्त से मिलें, तो आपको सबसे पहले पहल करनी चाहिए सलाम करने के लिए, ताकि आपको सबसे ज़्यादा नेकियां मिल सकें, ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां इकट्ठी करनी चाहिए। तो इसी तरह ये भी आपको वही बता रहे हैं, अपने असातिज़ा का तो बहुत रिस्पेक्ट है ना, जिस तरह आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं, उसी तरह आपको अपने असातिज़ा की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो उनको अदब के साथ सलाम कहें। अपने फ्रेंड्स से जब आप मिलते हैं तब आप सलाम कहें। और इवन जब आप किसी शॉप पर जाते हैं ग्रोसरी करने, शॉपिंग करने, या किसी भी नॉर्मल ऑर्डिनरी शॉप पर चले जाते हो, तो अपनी चीज़ लेने से पहले क्यों ना उनकी दुकान में दाखिल होकर ये कहा जाए अस्सलामु अलैकुम। तो उससे क्या होता है, जो शॉपकीपर होता है, जो दुकानदार होता है, वो भी खुश हो जाता है कि भाई इसका तो बहुत अच्छा अखलाक है, ये तो सलाम करके बात स्टार्ट करता है। तो इससे हमारा इम्प्रेशन भी अच्छा पड़ता है और हम अपनी बात कहकर बहुत अच्छी तरह से जो है वो गुफ्तगू को शुरू कर सकते हैं। इसी तरह से
जब कभी हम बाहर जाते हैं, हमें स्ट्रेंजर्स भी मिलते हैं, अजनबी भी मिलते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम उसको सलाम नहीं करेंगे। सलाम करने में कोई भी शख्स को या किसी भी शख्स को जानना ज़रूरी नहीं है। सलाम तो कर सकते हैं ना हम, ऐसे ही किसी भी स्ट्रेंजर से मिलते हैं तो हम अस्सलाम वालेकुम कह के अपनी बात को शुरू कर सकते हैं। तो ये हमें फॉलो अप करना चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा नेकियाँ इकट्ठी कर सकें। और हर सलाम करने पर हमें अल्लाह ताला कितनी नेकियाँ प्रोवाइड करते हैं, 10 नेकियाँ देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें यहाँ पे क्या बात बता रहे हैं। बेहतर है कि खड़ा आदमी बैठे हुए को सलाम करे और सवारी पर बैठा पैदल चलने वाले को सलाम करे। देखें इसमें क्या बता रहे हैं कि बेहतर क्या चीज़ है कि अगर कोई आदमी खड़ा हुआ है तो वो आदमी जो है वो बैठे हुए आदमी को सलाम करते हैं, क्योंकि कभी ऐसा होता है जो बैठा हुआ आदमी होता है उसकी नज़र नहीं पड़ती सामने आने वाले पर, तो बेहतर है कि आप सामने से सलाम कर दें। इसी तरह जो पैदल चल रहा होता है उसको नहीं पता होता कि भाई सवारी पर जो है वो कौन सवार है और वो किस डायरेक्शन से आ रहा है, तो बेहतर ये होता है कि जो सवारी पे किसी भी गाड़ी पे सवार है वो चलने वाले को सलाम कर दे। अगर आपको कोई आपका जानने वाला है या वैसे ही आप किसी से बात करनी है तो जब आप अपनी बात स्टार्ट करो तो आप वैसे भी अस्सलामु अलैकुम कह के शुरू कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड एंड डू प्रैक्टिस सेइंग सलाम। ओके, डू रीड दिस चैप्टर एट योर होम। ओके, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट क्लास। तब तक अल्लाह हाफिज़।